हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष, बेसिक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मीन का कैलकुलेशन कैसा करते हैं ये आपको बता देता हूँ। उसके कुछ फॉर्मूले हैं वो भी आपको बता देता हूँ, और उसके साथ साथ कौन से टाइप आते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन। सबसे पहले मीनिंग, इट इज़ द सम ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी इट इज़ अ नथिंग बट एवरेज, यानी जितने भी नंबर रहे, जितनी भी सम्स रहेंगी उसको ऐड करने के बाद हम जितने भी नंबर कहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, तो वो नंबर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको मीन कहते हैं। और इसका नाम अलग ही कह सकते हैं, ये एवरेज भी हो सकता है। देखो उसके बाद टाइप्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। इसके 3 टाइप रहते हैं, यानी एक सिंपल सीरीज रहती है, यानी क्वेश्चन देते समय एक तो सिंपल सीरीज में देते हैं, नहीं तो डिस्क्रीट सीरीज में देते हैं, नहीं तो कंटिन्यूस सीरीज में देते हैं। पर सबसे ज़्यादा पूछते हैं तो कंटिन्यूस सीरीज में पूछते हैं। तो देखो उसके जो कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको बता देता हूँ। ये देखो, सिंपल सीरीज में सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला पूछते हैं, x बार इक्वल्स टू समीशन एक्स आई अपॉन एन। यानी ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है कि समीशन यानी एडिशन, ये जो साइन है इसको हम एडिशन कह सकते हैं या समीशन भी कह सकते हैं। तो समीशन यानी सबकी एडिशन, इसका मतलब होता है एक्स आई यानी क्वेश्चन में जो हमें दिया रहता है, जितने भी सम्स दिए रहते हैं तो उसको एडिशन करनी पड़ती है, उसको एक्स आई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एडिशन ऑफ एटम्स, यानी जितने भी एटम्स रहेंगे उसकी एडिशन करनी पड़ती है। और एन याद रखिएगा, स्मॉल एन और कैपिटल एन में बहुत फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एन लिखा है मैंने। स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ एटम्स, यानी जितने भी एटम हैं उसके कुछ सम दिए होते तो वो सम एडिशन करके एक्स आई निकालना पड़ता है हमको, वो एक्स आई निकलता है। और n यानी नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी रहेंगे उतने भी। तो ये हो गया पहला सिंपल तरीके का आंसर निकालने का मीन। उसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज, ये एक बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे एक ज़्यादा एटम आता है उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी देखो x, इसका भी फॉर्मूला वैसा ही है जैसा पहला था, x बार इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। यहाँ पे कैपिटल एन है, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया आपको कि स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या फ़र्क है। तो यही फ़र्क है, क्योंकि समीशन एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में एक तो एटम भी दिए रहते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है। तो ये फ्रीक्वेंसी जब देते हैं तब ये फार्मूला हमको यूज करना पड़ता है। तो एक्स आई जैसा फर्स्ट इसमें रहता, फर्स्ट फार्मूले में था एक्स आई, वैसे यहाँ पे एक्स आई है, उसको एडिशन ऑफ नंबर, उसकी भी एडिशन करनी पड़ती है। उसके बाद n, वो कैपिटल n है, तो यहाँ पे n मतलब एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बताया था, पहले इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी इसीलिए हमने स्मॉल n को नंबर ऑफ एटम्स यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उसको कैलकुलेट किया। पर यहाँ पे जितने भी फ्रीक्वेंसी रहेगी एटम्स की उसको ऐड करना पड़ता है, वो रहता है कैपिटल n यानी एडिशनल फ्रीक्वेंसी, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये ये यदि किया तो आपको डिस्क्रीट सीरीज से मीन निकाल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज आती है। कंटिन्यूस सीरीज सबसे इजी रहता है वैसा तो, पर लेकिन बहुत जन को बहुत ये हार्ड लगता है। तो देखो कंटिन्यूस सीरीज में x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन n मल्टीप्लाई सी। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा फार्मूला है पर लेकिन आसान है। देखो वेयर डी आई यानी एक जो हम एक्स आई है एटम जो है उसकी वैल्यू माइनस ए, ये ए यानी अज्यूम बिन रहता है जो हम क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं तो हम खुद उसको लेते हैं जो मनपसंद लेते हैं, यानी उसका ये कुछ नहीं है कि ये कि अज्यूम बिन कौन सा भी बीच में से आप ले सकते हो। उसके बाद सी यानी क्लास लेंथ, यानी फर्स्ट एटम माइनस सेकेंड एटम इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू रहती है क्लास लेंथ। यानी सिंपल तरीके से बता देता हूँ डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस जो रहेगा वही क्लास लेंथ रहती है। देखो ये एक फार्मूला होगा, ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें कुछ टेबल दिया रहता है, तो टेबल में से हमको पहले अज्यूमिंग निकालना, पर अज्यूमिंग हम ढूंढते हैं, उसके बाद जो आपको बता दिया है डी आर कैसे निकालना पड़ता है, तो डी आर एक्स है यानी जो एटम की वैल्यू है वो माइनस ए यानी अज्यूमिंग जितना हमने कैलकुलेट किया है वो अपॉन सी यानी वो जो क्लास लेंथ रहती है वो लेने के बाद आपको डी आर आसान तरीके से मिल जाएगा। और एफ आई और डी आई तो इसका तो मल्टीप्लीकेशन रहता है, ये तो आपको आ ही जाएगा। देखो आपको सिंपल लगने के लिए मैंने टेबल कैसे रहते हैं वो बता देता हूँ। सिंपल सीरीज में सबसे ज़्यादा एक ही सीरीज रहती है, वो रहती है एक्स आई, तो इसको सीरीज भी इसको टेबल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल भी रहते हैं और वर्टिकल भी रहती है, उसको कोई वांधा नहीं है। उसके बाद सिंपल सीरीज में इतना ही रहता है, एक्स आई रहता है और ये इसकी एडिशन करनी पड़ती है, यहाँ पे समीशन करनी पड़ती है, और इसको 1 2 3 4 करके हम इसको ऐसा नंबर दे सकते हैं, नंबर यानी 5 नंबर, तो ये हमारा एन हो गया क्वेश्चन में से जो हम कॉल सब जब सॉल्व करेंगे तब। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में एक्स आई फर्स्ट कॉलम रहता है, उसके बाद एफ आई भी एक कॉलम रहता है, एफ आई यानी इसमें क्योंकि फ्रिक्वेंसी आ जाती है इसीलिए एफ आई का दूसरा कॉलम बनता है, और इसका मल्टीप्लीकेशन यानी एफ आई एक्स है जो फॉर्मूले में हमको बताया था मैंने आपको कि समीशन एफ आई एक्स है अपॉन कैपिटल एन, तो ये एफ आई एक्स आई रहता है, तो इसकी एडिशन हमको यहाँ पे करनी पड़ती है, समीशन इक्वल्स टू जितनी भी आती है वो, तो ये एक टेबल हो गया। और यदि आपको ग्रुप दिया है यानी 20 से 40, 40 से 60, 60 से 90, तो एक कॉलम और एक बनता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि इसका जो मिड वैल्यू रहती है वो मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी 20 माइनस 40 कितना हो गया 10, 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी इसकी एडिशन करनी पड़ती है, 40 और 20 60 और उसकी जो मिड वैल्यू आती है 30, जैसे इसकी आती है 100 100 150, तो इसकी कितने आते हैं 9 और 6 15 यानी 150 हो गए, 150 हो गए, तो 150 को हाफ किया तो 75 आते, ये मिड वैल्यू हो गई, तो ऐसी वो मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो ये देखो कंटिन्यूस सीरीज में रहता है क्लास इंटरवल यानी एक्स आई, डरिए मत वही रहता है एक्स आई, पर लेकिन वो ग्रुप में दिया रहता है, अभी आपको बताया ना वैसा 40 to 60, 60 to 90 वगैरह ऐसे ग्रुप रहते हैं, तो इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो हमेशा रहती है, आपको बता देता हूँ। उसके बाद एम आई यानी मिड वैल्यू एक्स आई, इसको भी एक्स को ही एक्स आई कहते हैं, वो क्लास इंटरवल को नहीं कहते, लेकिन मिड वैल्यू जब निकालते तभी उसको एक्स आई कहते हैं। उसके बाद हमको डी आई निकालना पड़ता है, तो आपको अभी बता दिया फार्मूला से डी आई कैसे निकालना पड़ता है, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी यानी क्लास जो लेंथ क्लास लेंथ है वो ए यानी अज्यूमिंग और एक्स आई यानी जो मिड वैल्यू रहती है ये वाली, ये माइनस करने के बाद डी आई निकलता है, और एफ आई और डी आई ये तो इनका मल्टीप्लीकेशन है तो आपको भी पता चल, तो यहाँ पे समीशन आता है, तो यहाँ पे इसका भी समीशन लगता है, समीशन एफ आई का और यहाँ पे समीशन एफ आई डी आई, तो ये एफ आई का समीशन यानी एन रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं तीनों सीरीज से, तो ये बहुत ही आसान हो गया, ये आपको जल्द से जल्द आ सके क्योंकि अगले जितने भी चैप्टर्स रहेंगे तो यहाँ पे वो मीन का। अभी मैंने आपको पूरे के पूरे टिप्स बता दिए हैं, कुछ फॉर्मूले भी बता दिए हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन, ये अभी आपको बता दिया है, यदि ये आपने कैलकुलेट करते समय इसका यूज़ किया तो आपका आंसर आसान तरीके से आ जाएगा। सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को यदि क्लिक किया तो मेरे जितने भी नए वीडियो आ जाएंगे वो आपको तुरंत दिखाई देंगे।